मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एटीएम से 63 लाख के गबन के मामले में पुलिस ने लॉजी के सॉल्यूशन के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से 3,78,000 रुपये जब्त भी किए गए हैं। लॉजी के सॉल्यूशन कंपनी के 2 कर्मचारी राज भावसार और महेश अगलचा को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार लॉजी के सॉल्यूशन कंपनी SBI के अटैच में जो ATM में राशि डालने का काम करती है, और इस कंपनी में राज भावसार और महेश अगलचा भी कैश रिफिलिंग का कार्य करते हैं, लेकिन ये दोनों लोग पिछले 8 माह से ATM में पूरी राशि न डालते हुए 8 महीने से इन्होंने करीब 63,35,000 गबन किया है, जिसकी शिकायत कंपनी के ही अंकित शर्मा द्वारा थाना बड़वानी में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने विवेचना करते हुए सत्यता पाए जाने पर दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर आज उन्होंने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उनके पास से करीब 3,78,000 की नगद राशि जब्त की है, जबकि पुलिस के अनुसार राज अयास किस्म का व्यक्ति होकर लाखों रुपये जहां गोवा में जाकर खर्च कर चुका है, वहीं धार में जाकर जुआ खेलकर हार भी चुका है और दोस्तों और रिश्तेदारों में उधार बांट चुका है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में लगी हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गबन की राशि उनसे जब्त की जा सके। बड़वानी से अब्दुल कुमावत की रिपोर्ट। जैसा कि विदित है, SP श्री निमिष अग्रवाल सर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी गबन धोखाधड़ी जालसाजी के मामले इसमें सख्त कार्रवाई की जाए, और उसी के तारतम्य में लॉजिक सॉल्यूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जिसके कर्मचारी अंकित शर्मा है, इन्होंने थाने पर एक लिखित शिकायत दी थी कि लॉजिक सॉल्यूशन कंपनी के 2 कर्मचारी राज भावसर और महेश अगलचा ये केस रिफिलिंग का काम करते थे। वास्तविक में जो लॉजिक सॉल्यूशन कंपनी है ये SBI से अटैच है, और SBI का जो ATM है उसमें केस रिफिलिंग का काम ये कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो इसी के जो 2 कर्मचारी राज और महेश, इनके द्वारा 8 महीने के दौरान करीब 63 लाख रुपये कम SBI के ATM में डाले गए और 63 लाख का इनके द्वारा गबन किया गया, जिसमें पुलिस ने जांच करने के बाद आए साक्ष्यों के आधार पर इन दोनों के खिलाफ धारा 409-34 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद इनको लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है, और इनसे पूरी पूछताछ में अभी 3,78,000 रुपये पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, और इन्वेस्टिगेशन जारी है, और निश्चित रूप से इनसे और भी पैसा पूरा बरामद अधिक पैसा जब्त होने की संभावना है। सर, पैसों को लेकर ये गोवा गए थे और जुए वगैरह की भी बातें सामने आई सर। अभी जो उसने प्रारंभिक पूछताछ की तो ये जो है थोड़ा सा अलियास और बदमाश किस्म का है राज भाव सर, तो ये बताया कि गोवा भी जाया करता था, एक बार गोवा जाता था तो उसमें करीब 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करता था, और इसने जुआ खेलने का भी आदी है, तो जो पैसा था उसमें बहुत सारा पैसा ये बताया कि धार जिले में जो है जुआ खेलने जाया करता था, तो वहाँ इसने पूरा खर्च कर दिया है, और स्वयं की शादी में 2 लाख रुपये खर्च किए हैं, बाकी कुछ रिश्तेदारों को उधार दिए हैं, कुछ दोस्तों को उधार दिए हैं, और कुछ इस प्रकार से इसने पैसा पूरा खर्च किया। सर, जो दोस्तों को पैसा उधार दिया है सर, उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी सर? ये जो साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर दोस्तों की क्या संलिप्तता है उसके आधार पर फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई होगी।